रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के अंदर एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म और एक्सक्रीशन इन काकरोच के बारे में पढ़ेंगे। सो इससे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो एक्सक्रीशन क्या होता है भला? इट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी किसी भी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं। सो आज हम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स किसके अर्थवर्म की बात करते हैं, लाइक इन द केस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के केस में क्या हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी फूड ईट करेगा, सो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, जिसका हर बॉडी के अंदर हो सकता है, ठीक है। हर बॉडी जो रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिंदा रहने की निशानी होती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपके जहन में? ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, जो हम हर एक में एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, और क्या हो सकता है इसमें? इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होता है, ठीक है, मसलन यूरिया, ठीक है, इस केस में यूरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होता है। सो ये अर्थफॉर्म के अंदर क्या हो जाएंगे? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो सी है बॉडी में से रिमूवल है, सही, सो इसको निकालना है, नहीं हमने बॉडी में से। वैसे इन वेस्ट प्रोडक्ट की लोकेशन क्या होते हैं? दीज आर ऑल प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है, यानी ये 1 2 3 तीनों के तीन जो से हैं वो ब्लड के अंदर से मौजूद होते हैं, सही। सो किस तरीके से हमने ब्लड को फिल्टर करना है, यानी अर्थफॉर्म का ये आपको डायग्राम भी नजर आ रही है, ये अर्थफॉर्म की कोई फिगर है, सही। सो इसके जो ब्लड है उसके अंदर ये वेस्ट मटीरियल है, इसे हमने रिमूव करना है। सो इसके लिए फिर हमारे पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। सो इससे पहले हमने प्लेनेरिया का पढ़ा था और हाइड्रा का पढ़ा था, वहाँ पे कोई वेल डेवलप्ड क्या नहीं या वेल एस्टैब्लिश्ड किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन अर्थवर्म के अंदर आके एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होता है, सही। अर्थवर्म के अंदर हमें एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है। ट्यूबुलर से क्या मुराद है? यानी ये ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होता है। अच्छा, इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई नाम भी होगा, जाहिर सी बात है, इसे हम मेटानेफ्रिडियम कहते हैं, मेटानेफ्रिडियम। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने जब प्लेनेरिया की बात करे थे वहां पे प्रोटोनेफ्रिडियम वर्ड यूज हुआ था, मैंने कहा था एक्चुअली वो प्रोटोटाइप है, अभी वेल कह लें कि इस्टेब्लिश नहीं है। यहाँ पे यह है कि जो नेफ्रीडियम का नेटवर्क है वो वेल इस्टेब्लिश है, सही। अब इसमें होता है क्या है, यानी अगर हम डायग्राम में भी देखें, सो आपको क्या ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं और ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं, सही, यानी इसे मेटानेफ्रिडिया ट्यूब्यूल्स कहा हुआ है, सही, मेटानेफ्रिडिया ट्यूब्यूल्स, और इसके गिर्द आपको कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आएगा, सही, कैपिलरीज का नेटवर्क है। फिर मेटानेफ्रिडिया को उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया, मसलन इसमें एक ब्लैडर है, ये सिलोमिक फ्लूइड होता है इसमें। अच्छा, इससे पहले आपको थोड़ा सा ना जनरल आइडिया होना चाहिए अर्थवर्म की बॉडी का, कि अर्थफॉर्म की बॉडी में फॉर एग्जांपल इस तरह तो नहीं होती, सॉरी, इसमें होती है सेगमेंटेशन, यानी इस तरह सेगमेंट्स बने होते हैं ये, लाइक दिस, सही, इस नीचे से भी आपको इस तरह सेगमेंट्स नजर आएंगे, सही, और बीच में से एक सिलोमिक ट्यूब इसकी जा रही होती है। सिलोमिक ट्यूब से मुराद इसके अंदर बॉडी कैविटी होती है, सिलोम जिसे कहा जाता है, सही, और सिलोम के अंदर क्या होता है? फ्लूड होता है, सिलोमिक फ्लूड, सही। सो बेसिकली यहाँ पे जो वेस्ट है वो इस सिलोमिक फ्लूड में से कलेक्ट होता है, सही, सॉरी, यहाँ पे मैं फिर गलत कह गया, बेसिकली यहाँ पे ब्लड नहीं होता, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सिलोमिक फ्लूड, सही। तो आज मेरे से भी गलती होगी, यानी जिसमें से बेसिकली कह लें कि वेस्ट मटेरियल रिलीज या निकालेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिलोमिक फ्लूड, ठीक है। अब सिलोम के स्पेल चेक कर लें, COE आएगा, सिलोमिक फ्लूड, सही। तो सिलोमिक फ्लूड में से, अच्छा इसमें भी एक और गलती कर रहा हूँ मैं, कि सिलोमिक फ्लूड के अंदर हमें जो मिलेंगी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होगा, ये दो चीज़ें होंगी, जबकि जो CO2 होगा ये ब्लड में होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये भी किस में मौजूद होगी? ये ब्लड में मौजूद होती है, सही, ये सिलोमिक फ्लूड में नहीं होती बल्कि ब्लड में, सही।
अब जो ब्लड होता है वो लाइक किस तरह बॉडी के सराउंडिंग्स में होते हैं, सही? ये अब ब्लड है, बीच में स्टोमिक फ्लूड है, सही? अब ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है लाइक CO2, सही, इट विल सिंपली डिफ्यूज आउट। कार्बन डाइऑक्साइड जनरल बॉडी सरफेस से बाहर आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने अर्थ फॉर्म देखा हो, जिसे हम नॉर्मली कैंचवा कहते हैं, तो उसकी जो स्किन होती है बहुत थिन होती है, और कह रहे हैं कि जी थोड़ी बहुत नमी वाली होती है, ठीक है, जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इजिली डिफ्यूज आउट हो जाती है, और यहीं से ऑक्सीजन इन होती है, ठीक है। उसके पास कोई लंग्स नहीं होते जिसके जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को कह लेंगे एक्सपायर करेगा, बल्कि सिंपल बॉडी सरफेस से रिलीज हो जाएगा, सही, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगा। सो अब बाकी रहेगी बात एक्स्ट्रा वाटर की, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट की और यूरिया की, ठीक है। इसके लिए फिर क्या होता है, अब ये एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट और यूरिया कहाँ पे मौजूद है, इसके स्लोमिक फ्लूड के अंदर। तो इसके अंदर क्या आता है कि स्लोमिक फ्लूड में से मटेरियल निकालने के लिए हमारे पास इसके कह लें कि एक मेटानेफ्रीडिया होता है, ठीक है, इसका नेटवर्क होता है पूरा। मेटानेफ्रीडिया का क्या हिसाब किताब होता है, इसके अंदर ना तीन कह लें इसके पार्ट्स कर लेते हैं हम। एक होता है नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, और इसमें ये आपको बड़ा सा ब्लैडर नजर आ रहा है, सही। नेफ्रोस्टोम के बाद जो बड़ी चीज आपको नजर आ रही है ब्लैडर, सही, और फिर लास्ट में आ जाएगी कैपिलरी, सॉरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सही। और दैट्स ऑल। सो इसमें क्या होगा, नेफ्रोस्टोम जो है वो स्लोमिक के अंदर से ना कह लें कि फ्लूड रिसीव करता है। चलिए इसकी हम मजीद डिटेल नीचे डायग्राम में देखेंगे। मसलन आप ये जो आपको फनल लाइक स्लोमिक फ्लूड विद द वेस्ट, ठीक है, इसे फनल कहा हुआ है, बेसिकली ये है क्या, नेफ्रोस्टोम, ठीक है। नेफ्रोस्टोम में क्या होता है कि फ्लूड रिसीव करता है कहाँ से, ये रिसीव करेगा स्लोमिक फ्लूड, ठीक है, यानी सिलोम कैविटी में से, उसके बाद इसे ब्लैडर में भेजेगा, फिर बीच में, सॉरी ब्लैडर में नहीं आएगा ये, पहले इसके ट्यूब्यूल्स में आएंगी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन आती है, सही। नेफ्रोस्टोम ने फ्लूड कलेक्ट किया, यानी अगर मैं इसका फंक्शन लिखूँ, इट कलेक्ट फ्लूड फ्रॉम सिलोम, ठीक। और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, लाइक मैं कलर चेंज करूँ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, इट विल शो रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, मसलन वाटर की, अगर वाटर की कमी है तो, इसके अलावा सॉल्ट की होगी, इसके अलावा और भी यूजफुल जो मटेरियल इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, जो भी यूजफुल मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लास्ट में आता है ब्लेडर, ब्लेडर में थोड़ी देर के लिए वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, ठीक है, एंड देन एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, फिर ये बाद में एक्सीड कर देता है, बाहर की तरफ एक्सीड हो जाता है, सही। सो इस तरह क्या प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले यानी इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बीच में इसकी सिलोम कैविटी होती है, ठीक है, सिलोम कैविटी के अंदर वेस्ट मटेरियल यानी सिलोमिक फ्लूड होगा, उसी के अंदर वेस्ट मटेरियल शामिल होता है, सही। सो इसका जो मेटानेफ्रीडियम है यानी जो इसका कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अंदर तीन मेन पार्ट है, नेफ्रोस्टोम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड ब्लेडर, सही। नेफ्रोस्टोम क्या करेगा, ये फ्लूड जमा करेगा सिलोम में से, यानी एक ओपनिंग होती है, सही, है जिसके इर्द गिर्द सीलिएटेड ओपनिंग कह लें, सीलिया मौजूद होता है ताकि फिल्टर करके ये एंटर हो करे। सो इसमें फ्लूड एंटर होगा, और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसमें से कह लें कि कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन से मुराद यानी उसको जो यूजफुल मटेरियल होंगे ना उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद जो ब्लेडर है उस वहाँ पे थोड़ी देर ये वेस्ट मटेरियल स्टोर रहेगा, उसके बाद ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सही। सो ये द स्ट्रक्चर मैटर नेफ्रीडियम का, यहाँ पे भी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, नेफ्रोस्टोम जिसने फ्लूड रिसीव किया, आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी, और फिर ब्लैडर, ब्लैडर से ये फिर एक्सटर्नल पोर के जरिए बाहर आ जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल पोर भी बेशक बीच में डाल सकते हैं, एक्सिट आउट थ्रू एक्सटर्नल पोर, ठीक है, एक्सटर्नल पोर के जरिए ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, सही। ओके, ये तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम हो गया हमारा कह लें अर्थ फॉर्म का, सही। अब हम चलते हैं काकरोच पे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। सो काकरोच का थोड़ा डिफरेंट है, ये कह लें कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कह लेंगे फूड डाइजेस्ट होती है,
सिस्टम इज लिंक्ड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और कह लेंगे जो छोटे छोटे स्पीशीज होती है, ठीक है, जिस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलमोस्ट मैच अप हुए होते हैं, ठीक है, ये लिंक हुए होते हैं, सही। लेकिन जो जो एडवांस लेवल पर जाएंगे, मतलब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट होगा, ठीक। अच्छा, इसकी जो लिंक क्यों है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज लिंक विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें कोई खास ब्लड नहीं होता, इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो कि प्रेजेंट होती है सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आप कहेंगे जी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपने पढ़ा हो मे भी, आपको अगर याद हो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप्स होती हैं इसकी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सही। ओपन से क्या मराद है, ओपन से मराद खुला, यानी जहाँ पे ब्लड की जो पाइप्स होते हैं इन कैपिलरीज वगैरह ये प्रेजेंट नहीं होती, सिंपल ब्लड पंप आउट कर दिया जाता है ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, यानी वो पूल सा तालाब सा बना लेता है, सही, और फिर वापस इसी तरह उसे वापस ले आया जाता है हार्ट तक, उसे पंप करता है, सही। यानी वो कह लें कि जो भी अगर मैं ये बनाऊँ मसल, ये तो इसकी काकरोच की बॉडी है, सही, काकरोच की बॉडी, फिर आपने देखा होगा उसके ऊपर यूँ लाइनिंग सी बनी होती है, सही। सो इसके इर्द गिर्द ब्लड पाया जाएगा, इस तरह इसके इर्द गिर्द ब्लड आ जाएगा, इसके सब तमाम ऑर्गेनल इसके अंदर, इस तरह ब्लड, ये ब्लड नहीं होता बेसिकली, ये हीमोलिम्फ होता है, सही। हीमोलिम्फ इसके कह लें कि ऑर्गेनाइज के चारों तरफ फैला हुआ होता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज क्या, मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा गंद नहीं लगाना, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जो हीमोलिम्फ है इस तरह तालाब सा बनाया होता है इसने मुख्तलिफ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, ठीक। और चलिए हम इसकी मजीद डिटेल ले लेते हैं, मसलन क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या क्लोज होता है। अब मसलन ये हीमोलिम्फ का उन्होंने कैटेगरी दी हुई है, हीमोलिम्फ में ये होता है कि ये हार्ट, हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो थोड़ी देर के लिए कह लेंगे आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज के बाद वो सिंपल बाहर बॉडी के अंदर आ जाएगा। जबकि क्लोज के अंदर क्या होता है कि हार्ट पंप करेगा और ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहेगा, दोबारा वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आएगा, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल काक्रोच है हमारे पास, और क्लोज के लिए अभी हमने अर्थवर्म पढ़ा है। सो अर्थवर्म के अंदर क्या था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ईजिली हो रही थी, सही। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे कि जो इसका हाइंड गट है, यानी इसके गट के पार्ट करें ना, ये कह लेंगे फोर गट है, फिर बीच में ये मिड गट आता है, ठीक है जी, फोर गट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कर रहे हैं, फिर ये बीच में मिड गट आएगा यहाँ, और लास्ट में ईलियम से रेक्टम तक जो सा ये हाइंड गट आएगा, ठीक है। सो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, वो उसके हाइंड गट के अंदर एडजस्ट हुआ होता है। किस तरह हुआ होता है कि इसके अंदर ये जो मार्फीजन ट्यूब्यूल्स है ना, ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं मार्फीजन ट्यूब्यूल्स, ये मेन रोल प्ले करती हैं। मार्फीजन ट्यूब्यूल्स किस तरह एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं, इसके लिए नेक्स्ट डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें सारा स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। मसलन अब क्योंकि हमें पता है जो लिम्फ है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिम्फ, सो लिम्फ हर तरफ फैला हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हर तरफ लिम्फ प्रेजेंट होगा। सॉरी मेरे पास और कोई, सो ये लिम्फ है, सही। लिम्फ के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल है। सो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल सिंपल इस मार्फीजन ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटर हो जाता है, सही। मार्फीजन ट्यूब्यूल्स फिर किधर जाएंगे, इसकी इंटेस्टाइन में, यानी हाइंड गट का पार्ट बनेंगे, और फिर ये बाहर रिलीज होंगे, सही। यानी साल्ट एंड यूरिक एसिड, यहाँ पे जो कह लें कि नाइट्रोजन का किस शक्ल में होगा, यूरिक एसिड, यानी वो जो रिंग बना के इस तरह यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पहले भी। सो ये यूरिक एसिड के अंदर पांच नाइट्रोजन, पांच या पता नहीं चार होते थे नाइट्रोजन, सही। सो इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल के शक्ल में जो सा ब्लड है और साथ साल्ट जो से वाटर के साथ ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएंगे, कौन से ट्यूब्यूल्स के अंदर, मार्फीजन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यानी ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा, अगर मैं लिख देता हूँ ऊपर मार्फीजन
सबसे पहले क्या होगा कि जो भी लिम्फ के अंदर, ठीक है, ये मैंने जो सा कह लें कि इस कलर में बनाया है, इट इज हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। सो हीमोलिम्फ के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो किसके अंदर इंटर होगा, मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर, मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स फिर इसे आगे ले जाएंगी इंटेस्टाइन के अंदर, सही। ये जो हाइंड गट का पार्ट है, यानी हमने कहा था ना कि जो सिक्रेटरी सिस्टम है वो कहाँ पे फिट होगा, इसके हाइंड गट के अंदर। सो हाइंड गट का जो सा पार्ट है यहाँ पे रेक्टम के अंदर जाके, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपको रेक्टम नजर आ रहा है, रेक्टम के अंदर जाके रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, ठीक है, जो भी कह लें कि एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट, ठीक, और यूजफुल जो भी प्रोडक्ट होंगे, यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए होंगे वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब्स होंगे, ठीक है। यानी अब आप देखें तो जो जो हम एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरफ आ रहे हैं तो ये जो रीअब्सॉर्ब्शन का स्टेप है ये भी साथ साथ मॉडिफाई होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, ठीक है। बल्कि इस केस के अंदर रीअब्सॉर्ब्शन हाईली एडवांस है, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट्स उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिनका जो सब वेस्ट मटेरियल है ना वो फीसिस होते हैं। फीसिस से मुराद के इसके अंदर बहुत लेस हाइड्रोजन वाटर की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो रेक्टम के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह ही नहीं है, फिर लेस वाटर कंडीशन, ड्राउट कंडीशन जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये किसके अंदर आता है, इंसेक्ट्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के अंदर सॉल्ट वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम हाइंड गट इनटू हीमोलिम्फ के अंदर दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक, और फिर एनस से कह लेंगे या जो पोर है ओपनिंग पोर लास्ट उसके जरिए से वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सही। सो ये तो था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच, और ये दोनों इनवर्टिब्रेट की कैटेगरीज में आते हैं, हमको ध्यान में रखना क्योंकि दोनों के अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है। अब हम चलें इसे रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने एक्सक्रीशन को डिफाइन किया दोबारा से, हमने कहा जी के रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है। सो इसके हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी है, एक अर्थवर्म है और दूसरी कॉकरोच है। अर्थवर्म के लिए हमने कहा जी क्या वेस्ट मटेरियल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ब्लड का काम है, सही, वो ब्लड से रिलीज हो जाएगी, सही। ओके, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट और यूरिया जो सा कह रहे हैं कि इसका नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, अच्छा उसके अंदर जो कॉकरोच था उसके अंदर अमोनिया था, ठीक है, ये चीज, सॉरी यूरिक एसिड था। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट होंगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे, इसके सिलोमिक फ्लूड के अंदर। वो सिलोमिक फ्लूड क्या होता है कि मसलन ये अगर बॉडी है कॉकरोच की तो इसके सेंट्रल के अंदर एक ट्यूब से गुजरती है इस तरह से, ठीक, ये जो ट्यूब है ये फ्रॉम कह लें कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर रन कर रही होती है, इसे हम सिलोमिक ट्यूब कहते हैं या सिलोमिक कैविटी भी कहा जाता है इसे। तो इसके अंदर सिलोमिक फ्लूड होता है जिसके अंदर वेस्ट शामिल होता है। सो फिर प्रोसीजर क्या होगा कि हर कह लें कि जो भी पार्टीशन हुई हुई है, ठीक, सेडिमेंट कह लें, सेडिमेंटेशन, हर सेडिमेंटेशन के अंदर एक मेटानेफ्रिडियम मौजूद होगा, सही, जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसका, ये है इसका अर्थवाम का, सही। सो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने फिर मजीद पार्ट्स के, तो तीन मेन पार्ट्स होंगे, नेफ्रोस्टोम जो कि सिलोम में से फ्लूड को कलेक्ट करेगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल था, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आएंगे, ठीक है, सो यहाँ पे ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी उस उसमें से जो वेस्ट होगा उसे रहने देंगी, जो बचा बकाया वाटर होगा इजाफी और सॉल्ट वगैरह उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ब्लेडर फिर इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर ब्लेडर जो है ये थोड़ी देर वेस्ट मटेरियल स्टोर करेगा और उसके बाद जो बाहर का पोर, एक्सटर्नल पोर, उसके जरिए इसे एक्सपेल कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक और डायग्राम है, और हमने इसके साथ एक और चीज डिस्कस की, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो किधर चला गया, जी सही है, हमने फ्रॉग के केस में पढ़ी, मसलन जो अर्थफॉर्म का केस है इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो सब ब्लड है वो विद इन द वेसल्स रहेगा, ठीक है, यानी पाइप्स के अंदर रहेगा, एक कह लेंगे अपनी दीवारों के अंदर रहेगा, जबकि ओपन सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है कि जो ब्लड है, या इस केस में ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है, सो ब्लड जो है वो कैपिलरी से या वेसल से बाहर आ जाता है। सो इसलिए जो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होगा कि एक तो इसका सबसे पहले तो यह है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही लिंक होगा, यानी हाइंड गट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम फिट होता है। किस तरह फिट हुआ होता है, मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं,
कि ये जो भी हीमोलिम्फ है इसके बॉडी के अंदर जो फैला हुआ है उसके अंदर ट्यूब भी फैली हुई होती है, और ये उसमें से कह लेंगे हीमोलिम्फ में से जो सब वेस्ट मटेरियल होता है उसे अपने अंदर इंटर करा लेती है, ठीक है। उसके बाद उसे डिलीवर करती हैं हाइंड गट के अंदर। हाइंड गट के अंदर जो रेक्टम का पार्ट होता है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगी और बाद में एक्सक्रीशन हो जाएगी, सही। सो अगेन इसमें हमने चीज पढ़ी कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे थोड़ी एडवांस हो चुकी होती है, और इंसेक्ट्स के अंदर वाहिद ऐसा है जो वेस्ट मटेरियल को फीसिस में, यानी हमारे यूरिन होती है उसमें लिक्विड यूज होता है, ठीक है। इवन जितने भी एनिमल्स हैं सब लिक्विड शक्ल में कह लें कि यूरिन करते हैं या एक्सक्रीशन करते हैं, सही। तो जो इंसेक्ट्स हैं इनकी जो एक्सक्रीशन होती है ये फीसिस की शक्ल में होती है, यानी हार्ड की शक्ल, हार्ड सॉलिड की शक्ल में। ये इनके अडाप्टेशन है जिसकी वजह से ये ज़्यादा कह लें कि जो ड्राउट कंडीशन होते हैं, मतलब चूंटियाँ आपने देखी होंगी खुश्की में भी रहते हैं, चूंटे होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी गर्मी में रह सकते हैं। कीड़े मकोड़े आपको पता है हर जगह पाए जाते हैं, तो उसके अंदर यानी एक किस्म की अडाप्टेशन है कि ये फीसिस अपनी हार्ड सॉलिड की शक्ल में रिलीज करते हैं जिसके अंदर इनकी एक्सक्रीशन शामिल होती है, सही। सो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर दो एग्जांपल्स पढ़ी हमने, एक अर्थवॉर्म एंड अदर वन इज काक्रोच। आगे हम एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे।